आपका नेक्स्ट लेक्चर टेस्ट क्रैश पर बनाया गया है आपके लिए। मैं कोशिश ये भी करता हूँ कि जिनको नोट्स चाहिए तो वो नोट्स पूरा यहाँ उनको मिल जाता है, तो इससे जिनको भी नोट्स प्रिपेयर करने में बड़ी आसानी होती है। और भी सोशल मीडिया पर इसको डाल दिया जाता है, वहां से भी आप नोट्स कलेक्ट कर सकते हैं। इसमें मैंने टेस्ट क्रैश को बताया है। टेस्ट क्रैश को डेवलप किसने किया था? मेंडल ने। इसके यहाँ पर दो केसेज हैं, इन्हीं को जानेंगे। मतलब पहला केस है और ये सेकंड केस है। इट इज मेथड डिवाइज्ड बाय मेंडल। ये मेथड जो थी वो मेंडल ने प्रिपेयर की थी। किसके लिए प्रिपेयर की थी? टू डिटरमाइन जीनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के जीनोटाइप को पता करने के लिए। इसमें किया क्या उन्होंने? उन्होंने ये किया कि इन दिस क्रॉस द ऑर्गेनिज्म विद डोमिनेंट फिनोटाइप, डोमिनेंट फिनोटाइप है बट अननोन जीनोटाइप है, जीनोटाइप का पता नहीं है, इज क्रॉस्ड विद रिसेसिव इंडिविजुअल, जो आप यहां देख रहे हैं वायलेट इज टू व्हाइट लिया गया है, ये हमारा अननोन है, इसका नहीं पता चलता है। अगर यहाँ पर F1 जनरेशन में सारे के सारे, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि F1 जनरेशन में सारे के सारे हमें वायलेट कलर वाले मिल रहे हैं, मीन्स F1 हाइब्रिड यहाँ पर मिल रहा है, तो इससे ही हमारा क्या पता चल जाता है कि ये हमारा डोमिनेंट रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या लिया है, रिसेसिव केस, तो ये यहाँ पर पता चल जाता है जो टेस्ट क्रॉस का केस नंबर वन है। तो यहाँ पर सारे के सारे वायलेट कलर के मिलते हैं, कैपिटल बी स्मॉल बी वाले, तो ये क्या होगा, वायलेट ही होगा। सेकंड क्रॉस, सेकंड कंडीशन में केस टू में क्या लेते हैं, इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन वायलेट कलर फ्लावर एंड व्हाइट कलर फ्लावर, द एफ वन हाइब्रिड वाज वायलेट कलर फ्लावर, जो यहां पर मिला एफ वन हाइब्रिड का। इफ ऑल द एफ वन प्रोजनी आर वायलेट, अगर एफ वन प्रोजनी पूरी की पूरी वायलेट इस टाइप से मिल रही है, वायलेट कलर, द प्लांट इज होमोजाइगस डोमिनेंट, तो यहां पर जो हमारा अननोन लिया गया होगा वो क्या लिया गया होगा, होमोजाइगस डोमिनेंट वही लिया गया है, दैट इज अब यहां ये मिला कैपिटल वी स्मॉल वी। एंड इफ ऑल द प्रोजनीज इन 1:1 रेशियो देन द प्लांट इज हेटरोजाइगस। अब यहां पर केस टू में क्या है, एफ वन हाइब्रिड को रिसेसिव से कराया गया है, तो यहां पर क्या हो रहा है कि वहां पर वायलेट और व्हाइट दोनों का रेशियो इक्वल आ रहा है, 50-50% आ रहा है, या इसी को हम क्या कह सकते हैं, 1:1 रेशियो आ रहा है। तो ये उन्होंने मेंडल ने टेस्ट क्रॉस में ये बताने की कोशिश की थी। जल्दी ही आपको इसके बाद में दूसरा लेक्चर बहुत जल्दी ही मिलेगा। ओके, थैंक यू, और जल्दी ही आप दूसरे को भेजें जिनका दूसरे का भी कल्याण हो, और इसको सब्सक्राइब कर लें जिससे जो भी हम आपको डालें वो आपको मिलता रहे।